बोचहा विधानसभा के उपचुनाव के लिए मुकेश सहनी की एक चाल से बीजेपी और आरजेडी दोनों के लिए दिक्कतें जरूर बढ़ जाएगी। नमस्कार, मैं हूं इंद्रमोहन, आप देख रहे हैं बिहार तक। दरअसल मुकेश सहनी ने 24 घंटे के अंदर पूरी बाजी पलट दी है। ये कहा जा रहा था कि क्या वो एनडीए छोड़कर अलग हो जाएंगे, तो इस सवाल का जवाब पहले ही दे देता हूँ कि उन्होंने ये कहा है कि वो एनडीए में बने ही रहेंगे, लेकिन बोचहा विधानसभा सीट के होने वाले उपचुनाव में वीआईपी पार्टी की तरफ से उन्होंने उम्मीदवार दे दिया है। उन्होंने रमई राम की बेटी डॉक्टर गीता कुमारी को वीआईपी की तरफ से प्रत्याशी बनाया। अब आपको पूरा घटनाक्रम बताते हैं। दरअसल हुआ क्या, एक दिन पहले मुकेश सहनी नीतीश कुमार से मुलाकात करते हैं। इस मुलाकात में वो जिक्र करते हैं कि बोचहा सीट पर जो पहले सीट वीआईपी के खाते में थी, वीआईपी के मुसाफिर पासवान वहाँ से विधानसभा गए थे चुनाव जीतकर। उनकी मृत्यु के बाद ये कहा जा रहा था कि अमर पासवान को वीआईपी अपना कैंडिडेट बनाती है, लेकिन उस सीट से बीजेपी ने बेबी कुमारी को कैंडिडेट बनाया, जिसके बाद घटनाक्रम शुरू होता है। अमर पासवान आरजेडी दफ्तर पहुंचते हैं, वहां तेजस्वी यादव से मुलाकात करते हैं, आरजेडी की सदस्यता लेते हैं और तेजस्वी यादव उन्हें टिकट दे देते हैं बोचहा का। बीजेपी पहले से ही बेबी कुमारी को अपना उम्मीदवार बना चुकी होती है। इसके बाद शुरू होता है मुकेश सहनी का दौरा। मुकेश सहनी सबसे पहले तो नीतीश कुमार से मुलाकात करते हैं और मुलाकात कर अपने मन की बात कहते हैं कि बोचहा सीट से वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, उनकी पार्टी इस सीट को छोड़ना नहीं चाहेगी। इसके बाद वो दिल्ली की उड़ान भरते हैं। दिल्ली में बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से उनकी मुलाकात होती है। वो यहाँ भी अपनी बात रखते हैं, लेकिन शीर्ष नेतृत्व से बोचहा सीट को लेकर कोई भी उन्हें उम्मीद नहीं दिखाई देती। इसके बाद जब वो पटना वापस लौटते हैं तो उनके घर पर रमई राम अपनी बेटी डॉक्टर गीता कुमारी के साथ बैठे रहते हैं। रमई राम की मुलाकात होती है। इसके पहले रमई राम की मुलाकात तेजस्वी यादव से भी होती है। तेजस्वी यादव उन्हें बार बार ये समझाते हैं कि बोचहा सीट पर वो अपनी बेटी को कैंडिडेट नहीं बनाएं, इसका कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन चूंकि जब अमर पासवान को आरजेडी टिकट दे देती है, तो उसके बाद रमई राम एक तरीके से कहें तो मुकेश सहनी के घर पर धरना देकर बैठ जाते हैं। इसके बाद कुछ घंटों की मुलाकात, बातचीत और फिर खबर आती है कि 7 बजे मुकेश सहनी कुछ बड़ा ऐलान कर सकते हैं। मुकेश सहनी मीडिया के सामने आते हैं और इस ऐलान में वो डॉक्टर गीता कुमारी को वीआईपी का कैंडिडेट बनाते हैं और वो कहते हैं कि वो एनडीए में तो बने रहेंगे, उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है कि उन पर इस तरीके से जुर्म किया जाए। उनका ये भी कहना था कि इस जुल्म के पीछे चाहे जो भी पार्टियां रही हों, लेकिन वो निषाद समाज के आरक्षण की लड़ाई आगे भी लड़ते रहेंगे। अब सवाल उठता है कि क्या इस मास्टर स्ट्रोक से बीजेपी और आरजेडी दोनों को मुश्किल हो सकती है। अगर आप विधानसभा उपचुनाव को देखें तो बिल्कुल अब अमर पासवान के चुनाव में उतरने के बाद और बेबी कुमारी के बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार बनने के बाद ये कहा जा रहा है कि डॉक्टर गीता कुमारी भी बराबर की टक्कर दे सकती है। मुकेश सहनी तो इस दावे से कह रहे थे कि 16 तारीख को पार्टी भी रखी जाएगी, लेकिन यह बात तय है कि अब मुकेश सहनी ने पहले पटना में नीतीश कुमार से मुलाकात, फिर दिल्ली में शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात और उसके बाद रमई राम की बेटी को टिकट देकर उन्होंने तेजस्वी यादव और बीजेपी दोनों को जवाब दे दिया है।